गाइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, स्टेबलाइजेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। और जो भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो इसी फ़ोन से दे रही है, इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से। तो कुछ इस तरीके का स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा भाग के देखता हूँ एक बार, और भागने पे आप देख रहे थोड़ी धरती ऊपर नीचे हो रही है। वो मिलता है यार इस फ़ोन, इस प्राइस रेंज में आपको इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो बहुत सही लगा यार मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह। कैमरा जो है इसका ज़्यादा ही ओवर बूस्ट कर देता है कलर्स को, जो कि बहुत निखर के आते हैं और अच्छे लगते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक दीक्षित चैनल पर, और आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो 50A की कैमरा डिटेलिंग, कैमरा टेस्ट का। आज मैंने बहुत सारे यार सुबह सुबह ही फ़ोटोशूट करा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करा है, तो मैं वही दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को। एक बार देखना और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा है इस फ़ोन का कैमरा। मैं बस ये बोलना चाहूँगा गाइस कि इस प्राइस रेंज में इसका जो रेयर कैमरा है वो बहुत ही परफेक्ट कैमरा है, डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छी लेता है। बाकी वीडियो आप देखो और लाइक ज़रूर करना गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोई भी इशू हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये है वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लैरिटी, और बहुत एक बार आउट ऑफ फोकस चेक करता हूँ गाइस, तो बहुत ज़्यादा सही। हाँ यार और फोकस तो बहुत सही है इसका। तो ये थी वीडियो रिकॉर्डिंग इससे फुल HD में। गाइज ये देखो स्लो मोशन वीडियो बनाया मैंने, और स्लो मोशन बहुत ही सही लग रही है मेरे को, क्योंकि यार 12,000 में बहुत अच्छा स्लो मोशन करा है इसने। बिल्कुल भी वीडियो ऐसा नहीं लग रही अटक रही हो, बहुत क्लियर है। और ये मेरे दोस्त पुशअप्स बॉडी बनाते हुए सुबह सुबह, और ऐसी एक स्लो मोशन बस जा रही थी, तो मैंने इसे बहुत स्पीड में थी गाइज बस, और फिर मैंने स्लो करा तो यार लाइक यार देखो बहुत स्मूथनेस है इसकी स्लो मोशन में, जो कि मैंने अक्सर इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि मैंने कहा रेयर कैमरा यार इसका कुछ ज़्यादा ही सही है इस प्राइस रेंज में। गाइस ये देखो मैंने एक आसमान की फ़ोटो ली, तो स्काई की फ़ोटो सही थी, ये मेरे दोस्त की फ़ोटो मैंने ली है, और इसमें जो कलर है गाइस वो बहुत सही आए हैं। लाइक एक्यूरेट नहीं है, ओवर बूस्ट है, बट अच्छे लगते हैं यार, वो आई कैची टाइप के कलर होते हैं। और गाइज ये देखो मैंने पोर्ट्रेट में लिया दोस्त की फ़ोटो, तो यार इसमें भी क्या हुआ कि बहुत अच्छी से इसने पोर्ट्रेट वो करा है, जो फ्रंट पे उसे क्लियर रखा है, पीछे का बहुत अच्छी तरह से ब्लर करा है। और ऐसे ही मैंने ग्रीनरी की ली, तो यार जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा ओवर बूस्ट कर देता है कलर्स को, बट यार ये कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं, लोगों को अच्छे पसंद आते हैं। और ऐसी मैंने ऐसी रैबिट की ली फ़ोटो, तो बहुत क्लियर थी। देखो अब ज़मीन पर, तो ज़मीन में बहुत यार मतलब पत्थर उत्थर रखे हुए, तो बहुत शार्प कैमरा है, जिससे कि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई है। तो गाइज मैं यही बोलूँगा कि इसका रेयर कैमरा बहुत ही सही लगा मेरे को इस प्राइस रेंज में। और अगर आपको किसी और भी कैमरे का टेस्ट करवाना हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस फ़ोन को लाने की। और यही थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।